हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज भीम यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 का मैथ का क्वेश्चन पेपर शो करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय वेस्ट के चले वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर अपना जो अनुक्रमांक होता है अर्थात जो रोल नंबर होता है उसको फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना होता है यहाँ पर। इसके बाद यह पेपर का कुछ कोडिंग है। उसके बाद देख सकते हैं किस सन का यह क्वेश्चन पेपर है, 2019 का है और विषय कौन सा है, तो मैथमेटिक अर्थात गणित का है। समय की बात करें फ्रेंड, तो जो समय दिया होता है वह 3 घंटे 15 मिनट का होता है। टोटल जो पूर्णांक है वह है 100 तथा 100 इसका मैक्सिमम मार्क है। निर्देश दिया है कि 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा में दिए जा रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट, उसमें से 15 मिनट जो है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए जाता है। यही इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नोट दिया हुआ है, तो इस नोट को आपको सावधानी से पढ़ना है। तो देखिए कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है, यानी कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 9 है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा यह नोट है। और इसके बाद तीसरा नोट कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी किसी भी प्रश्न में कितने खंड करने हैं आपको उस क्वेश्चन के आरंभ में ही देखने को मिल जाएगा। और चौथा जो नोट है वह है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, तो जो भी प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने अंक मेंशन किया गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है और अंत तक करते जाना है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। कह रहा है जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपको स्कूल में भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो और भी आगे बढ़ते हैं, तो वही सेम नोट यहाँ पर इंग्लिश में है, तो आप इसे प्यूज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप हिंदी में देख चुके हैं, ज़्यादातर हिंदी माध्यम से बच्चे यूपी बोर्ड में एग्जाम देते हैं। तो बगैर समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि फलन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है क वाला, और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही है आपको चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का जो ख है, यह आपका देख सकते हैं यह भी आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। और इसमें से जो ऑप्शन सही है आपको चुनकर अपने आंसर पुस्तिका में लिखना है। तो ठीक है, और इसे आप समझ सकते हैं कि कौन सा सही है। अगर आपने अच्छी तरह से मैथमेटिक्स की स्टडी किया होगा तो आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ऑलरेडी क्लास 12 के स्टूडेंट्स का बहुत सारा वीडियो क्लियर कराए, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे चैप्टर क्लियर कराए गए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का जो ग है वह समाकलन से है, तो समाकलन में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको यह फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल काफ़ी गर्मी यहाँ पर है, मैं लाइट भी जलाया हुआ हूँ तो काफ़ी गर्मी है। तो इस तरह से पहले का ग है। इसके बाद पहले का जो घ क्वेश्चन है वह देख सकते हैं यह अवकलन समीकरण की आपको इसमें कौन सी कोटि है या बताना है किस कोटि का है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 1 का जो अंग है लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस तरह से आप देख सकते हैं सदिश के बीच कितना कोण है, तो यह आपको बताना है कि कितने अंश का कोण बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत क ख ग अंग करके। अब देखें यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे हिंदी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर निर्देश दे दिया गया पहले कि सभी खंड कीजिए, तो आपको क ख ग सब करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, जैसा कि नोट में हम लोग शुरू में ही पढ़े थे। तो देख सकते हैं क वाला आपको इस तरह से इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, कॉस यूनिवर्स √3 - √3/2 का आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। इस ख है जो कि फलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। एक बार मैं पुनः आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद देख सकते हैं ग वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन है वो अवकलन समीकरण की कोटि तथा घात बताना है। तो यहाँ पर इस अब समीकरण का आपको कोटि और घात बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो घ है देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से हल कर पाएंगे, अन्यथा बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से काफ़ी कन्फ्यूज भी रहते हैं, काफ़ी उनको डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन अंग वाला इस तरह से, और आपको मान ज्ञात करना है। तो अगर आप अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, सब एक एक नंबर का था, जैसा कि सभी के सामने उनके जो मार्क्स हैं वो अंकित हैं।
तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंतर्गत। अब वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है तो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग हिंदी वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसमें भी निर्देश दिया गया है, सभी खंड करना है। क इसमें देखिए क ख घ करके इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है। तो क वाला क्वेश्चन किस तरह का है पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से, इसके वाला ख वाला भी पढ़ लीजिए, और आपको जो कुछ करना है सिद्ध करना है तो आपको सिद्ध करना है। पहले वाले में मान ज्ञात करना था, इसके वाला इसके बाद देखिए जो ग वाला क्वेश्चन है आपको ये बता सिद्ध करना है कि लंबवत होंगे कि नहीं। और घ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं घ वाला क्वेश्चन प्रायिकता से है, प्रोबेबिलिटी से, तो आपको इसको भी सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन जो हैं दो दो नंबर के हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे चैप्टर के हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन कराए गए हैं, आप उन्हें देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश में है तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें भी निर्देश दे दिया गया कि सभी खंड आपको करना है। तो जो पहला क वाला क्वेश्चन है देखिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन है, आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो अभी भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपको सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, तो आप इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ग वाला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष दिए गए हैं, सब दो दो अंक के क्वेश्चन हैं, यह घ वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपको दो दो अंक के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर के अंतर्गत सभी क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। वहीं सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है तो इस पर भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए लिख दिया कि किन्हीं पांच खंडों को हल कीजिए, तो निर्देश दिया है पांच खंडों को हल करना है। तो आपको कुल इसमें छह क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें से पाँच ही क्वेश्चन करना है, तो हर क्वेश्चन पर पाँच पाँच अंक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन में क वाले में सिद्ध करना है, या अगर आप अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे तो कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। और जब हम भी एग्ज़ाम दिए तो हमारे भी पूछा गया था, जबकि बहुत पहले ही हम एग्ज़ाम दिए थे, सन 2011 में दिए थे। इसके बाद देखिए ख वाला क्वेश्चन इसमें भी सिद्ध करना है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फाइव का ग है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, समाकलन से क्वेश्चन है, पाँच नंबर का है। अब बढ़ते हैं और आगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फाइव का ग है इस तरह से है, इसमें आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर फाइव का जो अंग है ये इस तरह से है, पढ़ लीजिए आप इसे अच्छी तरह से और एक बार ट्राई कीजिएगा हल करने का। और यह इसमें च वाला क्वेश्चन इस तरह से है क्वेश्चन नंबर फाइव का, तो यह छठा क्वेश्चन है, केवल पांच ही आपको करना है, एक ऑप्शन में आपको छोड़ने के लिए मिल जा रहा है, ताकि अगर एक क्वेश्चन आपको ना आए तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। हर क्वेश्चन पाँच पाँच नंबर के हैं क्वेश्चन नंबर पाँच में, जिसमें से आपको पाँच खंड करने थे। सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है तो इसको हम ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छः है, यहाँ पर देख सकते हैं किन्हीं पांच खंडों को हल कीजिए, तो पांच खंड करने हैं, फिर इसमें आपको छः खंड मिलेंगे और पांच खंडों का उत्तर देना, नहीं छः क्वेश्चन मिलेंगे, केवल पांच क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो देख सकते हैं फलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पाँच नंबर का है। अब परवलय से देखिए क्वेश्चन आ गया है, तो यह भी सरल रेखा जो परवलय आता है उसमें भी यह क्वेश्चन देखिए आया है, पाँच नंबर का है, एक बार ट्राई कीजिए आप। और इसके बाद ग वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक बार मैं आपको पुनः माइंड दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का घ इस तरह से है, और अंग वाला क्वेश्चन इस तरह से है, और क्वेश्चन नंबर जो पाँच का छठा खंड है वह इस तरह से है, इसमें से एक तो आपको छोड़ना है, केवल पांच ही खंड करना है, तो छह खंडों में से पांच खंड करना है आपको क्वेश्चन नंबर छह के अंतर्गत, और सब के मार्क्स पांच पांच नंबर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस साइड देख सकते हैं, अब इंग्लिश में वही क्वेश्चन रिवाइज कराए गए हैं, तो फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुल हमको नौ क्वेश्चन देखना है तो हिंदी में ही माइंड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर सेवन के अंतर्गत आपको कुल दो खंड देखने को मिलते हैं, केवल एक खंड को आपको हल करना है। तो पहला जो है इस तरह से उसमें क्वेश्चन आबजू से पूछा गया है मैट्रिक्स से, इसके बाद देख सकते हैं समीकरण निकाय
और इसे आबयू विधि से हल करना है आपको। देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन है, इसमें से एक ही खंड आपको करना है और प्रत्येक अंक 8 है, तो कोई भी एक कीजिए, 8 नंबर आपको मिलेगा। और अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप काफ़ी हद तक कर लेंगे। और हमारे चैनल पे इस टॉपिक पर वीडियो भी है, पूरा डिटेल से बताया है सर ने किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हैं मैथमेटिक क्वेश्चन देखने के लिए। अब वहीं सेम क्वेश्चन इंग्लिश में कराए गए हैं, इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और केवल एक खंड को आपको हल करना है। तो क के अंतर्गत दो क्वेश्चन पूछे गए जो कि चार चार नंबर के हैं, तो भी वह टोटल होते हैं 8 नंबर। तो अब इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से है क में दो तरह के क्वेश्चन। और अब ख को देखते हैं, अवकल समीकरण से क्वेश्चन दिया है, 8 नंबर का है, अच्छी तरह से माइंड किए होंगे तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो इनको हम ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए देखना चाहते हैं तो वीडियो प्यूज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं क ख करके दो खंड दिए हैं, केवल एक को आपको हल करना है। तो यह देख सकते हैं समाकलन से खंड क है, तो इसको आपको हल करना है, तो यह 8 नंबर का है। अगर यह नहीं आता है तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं अभी, लेकिन समाकलन से है 1-2 करके, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 नंबर के हैं। तो जो भी आपको आए आप उसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो एक ऑप्शन होता है छोड़ने के लिए, आप कोई भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको जो आए उसी को आप कीजिए अपने क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपके आंसर पेपर होगा, आंसर पुस्तिका, उसी में जो आए वहीं लिखिए। और इसके बाद सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर देता हूँ, अगर आप और भी पेपर से देखना चाहते हैं तो हमारे एक चैनल है जो इसी नाम से है, हमने तो ड्रीम क्लासेस नाम अब चेंज करके नॉलेज बीम कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रीम क्लासेस खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने इसका नाम नॉलेज बीम रख दिया है। और हमारा जो एक और चैनल है नॉलेज बीम प्लस, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको कैसे इंग्लिश से कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए इस सीरीज को लेकर आने वाला हूँ। और वहाँ पर भी क्लास 12 के कुछ पेपर्स को मैंने शो किया है, तो उस चैनल पर भी आप जा सकते हैं और उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो वहाँ पर भी मैं इंग्लिश हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए इसकी पूरी सीरीज लेकर आऊँगा। और उसी चैनल पर कैसे इंग्लिश में स्पोकन किया जाए इसके बारे में मैं अच्छी खासी वीडियो तैयार करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से ही मैं समझ पाता हूँ कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और मेरे अंदर थोड़ी सी इंकरेजमेंट आती है और मैं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसी तरह डेली आपके लिए वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।